हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जानते हैं। Page of Swords, Death, The Fool, Six of Swords, Two of Swords, King of Coins, The High Priestess, The Empress and Eight of Wands. तो जो shift मैंने discuss किया था energy theme for today में, मैंने आपको clearly बता दिया था कि this person is leading a superficial life, जहाँ पर इनके अंदर एक immaturity है। मतलब चीज़ों को मैच्योरिटी के लेवल से ये नहीं देखते होंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल या बहुत ही ज़्यादा आजकल के ज़माने के हिसाब से चलने वाला बिहेवियर होगा इनका। मॉडर्न ख्यालात के होंगे या बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल लाइफ जीने वाले पर्सन, जिन्हें स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़, बिलीफ सिस्टम्स एंड ऑल, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। दे रियली वॉन्ट टू हैव फन एंड दे रियली वॉन्ट टू लीड अ कैजुअल लाइफ, जहाँ पर किसी बात की कोई कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। मे बी इन्हें कमिटमेंट देने से डर लगता होगा। दे आर नॉट रेडी फॉर द सीरियस कमिटमेंट्स एंड ऑल। तो इस तरह के ये पर्सन हैं। बहुत लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और काफ़ी अदर लोगों के लिए आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। दे आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन। एटलीस्ट ये आपके सामने ऐसा दिखाते हैं। इन्हें या तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस कनेक्शन। और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे गाइस जो जानबूझकर अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करते होंगे। मतलब आपके पर्सन जानबूझकर अपने इंट्यूशंस को सुनते नहीं होंगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी इनकी नहीं है। और अगर ये थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर पाएँ या थोड़ी सी अगर ये अपने अंदर वो एपिफेनी लेकर आएं, तो हो सकता है इनके बहुत सारे पैटर्न्स एंड हो जाएंगे, जैसे कि हमने आज सॉल्यूशंस वाला कार्ड देखा था। तो सॉल्यूशंस ये अट्रैक्ट कर पाएंगे। इनकी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा डिलेज होंगे या जानबूझकर ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते होंगे। लग्जरियस लाइफ पर इनका बिलीव होगा कि सब कुछ इनको इनकी मर्जी के हिसाब से चाहिए। अगर कुछ भी नियम के हिसाब से या प्रिंसिपल्स वेज में अगर कोई इनसे कुछ बात करने की कोशिश करता है, तो ये अपना मुंह वहाँ से मोड़ लेते होंगे। एंड दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिशनल थिंग्स एंड ऑल। ओके, तो इस तरह की थिंकिंग है। बहुत ही कैजुअल लाइफ ये बसर करना चाहते हैं, जो जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। आपने अपनी बाउंड्रीज खींच दी यहाँ पर, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। जितने लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं, उनके लिए उनका रिलीजन भी मैटर करता है, उनके धर्म, उनके संस्कार, उनके वैल्यूज़, नॉर्म्स, कंडीशंस, एवरीथिंग, आपके लिए वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। और जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते, उनके लिए तो कुछ भी चल जाता है। उन लोगों के लिए रिलीजन भी मैटर नहीं करता, किसी तरह का कोई भी बाउंड्री या लिमिटेशन, कोई भी सीमा उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करती। दे आर जस्ट लाइक फ्री बर्ड्स, यू नो। तो इसीलिए शायद आप दोनों की कंपैटिबिलिटी यहाँ पर नहीं बैठ पा रही होगी। आप दोनों एक डिसएग्रीमेंट्स में चल रहे हो कि आपको इस पर्सन का इस तरह का बिहेवियर पसंद नहीं आता है। स्पिरिचुअल लोगों की यही तो बात होती है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा दुनिया से कनेक्टेड है, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हटकर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की बातों से, दुनिया की चीज़ों से कनेक्टेड है, ऐसे लोग स्पिरिचुअल लोगों को अच्छे नहीं लगते। ऐसे लोगों को लोग ऑर्थोडॉक्स कहेंगे या बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले कहेंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कंजर्वेटिव थिंकिंग क्या होती है? क्योंकि कुछ हमारे एल्डर्स ने लाइफ देखकर कुछ एक्सपीरियंस गैदर किया है और वहाँ से हमें कुछ सीख उन लोगों ने सिखाई है, जो एक ट्रेडिशन बनता गया, और वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कंटिन्यू किया, दस्तूर बनाया उसको। यूं ही नहीं बनाया कुछ भी। जब कभी भी कोई बड़े हमसे कुछ कह कर गए हैं, वो यूं ही नहीं कह कर गए हैं गाइस,
फाइन, तो नैरो माइंडेड या कंजर्वेटिव थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें होनी भी चाहिए। हद से ज़्यादा अगर आप अपने आप को आज़ाद रखोगे, लिबरल रखोगे, तो ऐसी ज़िंदगी भी सर्विंग नहीं होती। अंत में हमें हमारे बड़े ही याद आते हैं कि अरे हम काश उस वक्त ही खुद को ऐसे रास्ते पर चलने से हमने रोक लिया होता, काश हमने हमारे बड़ों की बातें सुनी होती, काश हम हमारे रिलीजन के हिसाब से चले होते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, है ना। तो शायद इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक कॉमन ग्राउंड पर नहीं आ पा रही हैं, आप दोनों के बीच में अलाइनमेंट्स में नहीं आ पा रही हैं। आपके पर्सन हो सकता है कमिटमेंट देना नहीं चाहते, इनके लिए कमिटमेंट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, और शायद ये बहुत ज़्यादा आज़ादी में जीना चाहते हैं, किसी तरह का कोई बैगेज कैरी नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोगों के लिए ये सिचुएशनशिप्स वाली कंडीशन है। आई होप नाउ आई एम क्लियर कि आपके पर्सन एक सीक्रेट कनेक्शन रखना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पर ये आपको कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहते और इस चीज़ के लिए आप रेडी नहीं हो। तो यही एक बात है जो कि आपके और आपके पर्सन में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही होगी। यही वजह है कि आपकी ओपिनियन इनके ओपिनियन से डिफर करती है, और आपके बिलीफ सिस्टम, आपके संस्कार कुछ अलग हैं इनसे, और ये अपने संस्कारों को फॉलो नहीं करना चाहते। ये अपना खुद का ही एक बिलीफ सिस्टम लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर ये मॉडर्न लाइफ को फॉलो कर रहे हैं गाइस। तो शायद आप इनको एक इमेच्योर पर्सन की तरह देख रहे हो, बट हाँ मैं यही कह सकूंगी कि मे बी दे गेट दैट इंट्यूशन। इनको पता है कि यहाँ पर ये आपके साथ एक फेयर वेज में ट्रीटमेंट रखें, आपको वो वैल्यू दें, वो आपको पोजीशन दें, एक कमिटमेंट ये आपको ज़रूर देना चाहते हैं होंगे, क्योंकि इनका हायर सेल्फ तो प्योरेस्ट फॉर्म में है ना। इनका जो भी 3D वाला फॉर्म है, जो भी इनका जो इनकी फिजिकल बॉडी है, जो इनका फिजिकल माइंड है, वो हो सकता है बहुत सारे वेज में एक गलत थॉट प्रोसेस में चलता होगा आजकल की दुनिया के हिसाब से, लेकिन इनका जो हायर सेल्फ है वो तो एक प्योरेस्ट फॉर्म में है, और इसीलिए ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक एडिक्शन हो सकती है, जहाँ से इन्हें एंडिंग्स में आना होगा, मतलब एक ऐसी एडिक्शन लिटरल, यहाँ पर आपके पर्सन किसी एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जहाँ पर या तो इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा कि इन्हें ट्रेडिशंस को फॉलो करने नहीं देता होगा, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने नहीं देता होगा, ये एक चीज़ हो सकती है, या फिर इनके रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर हो सकता है ऐसा इन्होंने एक तरीका ही बना लिया होगा अपना, तो इसलिए मैंने कहा दिस पर्सन कैन बी योर कार्मिक पार्टनर एज वेल, और इस पर्सन को एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजरना होगा। डेथ टॉक्स अबाउट द एंडिंग्स, इनके लाइफ में किन्हीं पैटर्न्स की एंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ये इमेच्योर वेज में बने हुए, अभी चाइल्डिश एटीट्यूड है इनका, दे आर नॉट थिंकिंग इन दैट मैनर, जिस मैनर में आप इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, ये वहाँ तक रीच नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए नशा भी हो सकता है कि द रीज़न कैन बी इवन एडिक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस एंड ऑल, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो जैसे भी आपके साथ आज का ये जो शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है, आप उस वेज में एनर्जीज को ग्रैप कर सकते हो गाइस। अगर आपको लगता है कि दिस शिफ्ट इज़ नॉट योर्स, तो आप कल तक का इंतज़ार कर सकते हो यहाँ पर। एंड द एम्प्रेस एंड द एयर ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि आपकी प्योरिटी इन्हें नज़र आती है, जो कि हमने आज प्योरिटी का कार्ड देखा था। आपके अंदर वो इनोसेंस भी है, आपके अंदर वो मैच्योरिटी भी है, आपके अंदर वो एक तरीका है, एक डिसिप्लिन है, एक नियम है आपके अंदर, और आप अपने वैल्यूज़ को दर्शाते हो यहाँ पर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और आप कौन हो, आपके कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये सब कुछ आप दर्शाते होंगे। और इस पर्सन के सामने आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी की तरह शो होते हो कि मतलब ये आपसे जीत नहीं सकते,
और यही वजह है कि आपके पर्सन एट टाइम्स अगर खामोश हो जाते हैं आपके सामने, तो इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, लेकिन अब उस गलतियों को कैसे सुधारा जाए इन्हें नहीं पता। तो यहाँ पर इन्हें ट्रिगर चाहिए, और वो ट्रिगर आप ही दे सकते हो, जो कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था। तो ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द एम्परर, पेज ऑफ वंड्स, सिक्स ऑफ वंड्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वंड्स, द मैजिशियन एंड द सन। तो ऑफ कोर्स मैंने आज आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पर मैजिशियन आप हो, यहाँ पर लीडर आप हो। आप जैसा पाथ डिजाइन करोगे वैसे ही मैनर में यहाँ पर सारी चीजें चलेंगी, एंड योर पर्सन हैज टू फॉलो यू, यू नो कोई और तरीका नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन को आप ही के पीछे चलना होगा, क्योंकि आपने अपने बिलीफ सिस्टम का, अपने उसूलों का यहाँ पर स्टैंड लिया है। आप अपने इंटीग्रिटी को यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुली कंट्रोल कर पा रहे हो। आपको पता है कि यहाँ पर अगर एक सही तरीके से यूनियन में आना है तो स्पिरिचुअलिटी पर स्टेप इन करके ही आया जा सकता है। यू नो सुपरफिशियल लाइफ आप भी नहीं जीना चाहते, और आपने बहुत पहले ही लाइफ को समझ लिया होगा, और यूनिवर्स की प्रोसेस को समझ लिया होगा। आपका बिलीफ कर्मा पर है। तो जब आप एक बहुत ही इवॉल्व्ड एंड बहुत ही ज़्यादा वेल ग्रोन पर्सन हो, स्पिरिचुअली भी और इवन लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी लेकर, अगर आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व पर्सन हो, अवेकेंड पर्सन हो, तो शायद आपने इस पर्सन को भी एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए खुद में एक डिसीजन ले लिया होगा कि मैं इस पर्सन को सही पाथ पर ला कर रहूँगी या ला कर रहूँगा। तो इसलिए शायद आप इस तरह से एक स्टिफ पर्सनैलिटी की तरह इनकी तरफ शो होते हो, लाइक द एम्परर, यू नो यू आर बीइंग द एम्परर। लेकिन आप इंटरनली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। आपको पता है कि ये पर्सन बुरे नहीं है, इनका दिल बुरा नहीं है, बस हो सकता है हालात ऐसे हैं इनकी लाइफ में, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसके चलते ये बिगड़ गए होंगे, अपने राह से भटक गए होंगे, और आप इन्हें सही राह पर लेकर आना चाहते हो। ट्रिगर दे रहे होंगे आप इनको। एक ट्रिगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ सेट बाउंड्रीज क्रिएट की हैं, और डेडलाइंस क्रिएट की हैं, कुछ लिमिटेशंस आपने क्रिएट की हैं, और उसी मैनर में आप चलना चाहते हो कि अब यहाँ पर जो भी होगा मेरे अकॉर्डिंग होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। तो शायद आपने वॉक अवे भी किया होगा इस पर्सन से, मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वॉक अवे भी करते हो। एक ऑन एंड ऑफ आपने रखा होगा इस पर्सन के साथ, ताकि आप इन्हें सुधार सकें। तो ये एनर्जीज हैं गाइज आपकी। तो इवेंचुअली वेयर दिस सिचुएशन कैन लीड, अगर आप इसी एनर्जी में बने रहते हो, तो आप यहाँ पर क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, इनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पर्सन का। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द मून, द डेविल, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपकी कमी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है एक डिससेटिस्फैक्शन इनके अंदर इस तरह से ट्रिगर करेगी कि दे वोंट बी हैप्पी इन देयर करंट लाइफ, एंड आपकी तरफ अट्रैक्शन इतना होगा इस पर्सन के अंदर कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो इनके लिए अनसर्विंग है, इनको भी पता है कि ये जिस भी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अगर यहाँ पर लिटरली एक तीसरा कनेक्शन है, यानी कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल कनेक्शंस हैं, तो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि उन सारे कनेक्शन से इनको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो सुकून आपके साथ इन्हें मिलता है वो कहीं और इन्हें नहीं मिल सकता। आपके पर्सन ने इस बात को बहुत पहले ही फिगर आउट कर लिया होगा गाइस, लेकिन ये अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं रहे। लेकिन अभी आपकी जो भी एनर्जी है, आप फ्रेंडली मैनर में समझा रहे होंगे इन्हें, एक स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी बनकर समझा रहे होंगे, डांट रहे होंगे आप इन्हें, कभी कभी प्यार से भी समझा रहे होंगे। तो जिस भी तरह से आप समझा रहे हो, ये
उस बात को समझ रहे हैं, मतलब इवेंचुअली ये समझ जाएंगे गाइस कि आप इनसे क्या कहना चाहते हो, आप इन्हें किस डायरेक्शन की तरफ पुश करना चाहते हो, इवेंचुअली दे विल कम टू नो दैट, एंड तब हो सकता है ये अपने इंट्यूशंस को सुनेंगे। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द अवेकन पर्सन, यानी कि जिस पर्सन ने डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा होता है, वो पर्सन जब एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरता है तो वो किंग ऑफ कप्स के एनर्जीज में चैनल होता है। फाइन, इट इज एज सिंपल एज दैट। इट टॉक्स अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। तो आपके पर्सन इवेंचुअली अपने अंदर उस डिवाइन मैस्कुलिन को जगा पाएंगे गाइस। दे हैव टू गो थ्रू सम डार्क फेजेस। इन्हें इन डार्क फेजेस से होते हुए गुजरना ही पड़ेगा। एक कार्मिक एंगल से इन्हें छूटना ही पड़ेगा। द डेविल टॉक्स अबाउट द कार्मिक एंगल, और आपके पर्सन इवेंचुअली उस कार्मिक पैटर्न को एंड कर पाएंगे। अगर ये आज तक भी अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हैं गाइस, तो इवेंचुअली दे विल अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कनेक्शन, क्या किस टाइप का कनेक्शन है ये, और आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो इस पर्सन को समझ में आ जाएगा। अगर ये पर्सन आज आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं, आपकी बात अगर नहीं सुनते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो एक दिन वो ज़रूर आएगा गाइस। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि आपके पर्सन खुद चलकर आपके पास आएंगे एंड दे विल से सॉरी टू यू विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग यहाँ पर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्योरिटी। जैसे कि हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो कार्ड देखा था प्योरिटी का, उस प्योरिटी की वजह से आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब अगर ये चीज़ इम्पॉसिबल भी है ना, कि इस पर्सन का चेंज होना अगर इम्पॉसिबल है आपके माइंड में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्योर थॉट्स, प्योर इंटेंशन, ये चीज़ आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि मैंने तो अपना सारा एफर्ट बहुत ही ईमानदारी से रखा है और मैंने इस पर्सन को एक सच्चे मन से चाहा है, एंड इवेंचुअली मैंने पूरी कोशिश की इस पर्सन को सही पाथ पर लाने की। अब मैंने सारी चीज़ें यूनिवर्स पर सरेंडर कर दी हैं, तो ये आपका प्योर इंटेंशन हुआ है ना, तो यूनिवर्स इस चीज़ के लिए आपको रेसिप्रोकेट करेगा। कैसे? इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म करके, और इस पर्सन की अवेकनिंग होनी है और होगी। अगर इवन ये आपके कार्मिक भी है ना गाइस, तो इनके अंदर वो सुधार आप इवेंचुअली देख पाओगे कि दिस पर्सन विल गेट अवेकन एंड इवेंचुअली दे विल लव टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन द वे यू वॉन्ट। मतलब आपका जो भी वे है उस तरह से ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे और आपको वो एक ब्यूटीफुल सा कमिटमेंट दे सकेंगे। एस ऑफ कप्स टॉक सपोर्ट द कमिटमेंट हियर, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। अगर ये जो पर्सन है कमिटमेंट फोबिक है, इन्हें कमिटमेंट से डर लग रहा है ना, तो इवेंचुअली इनकी अवेकनिंग ऐसे होगी कि ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कमिटमेंट का महत्व क्या होता है। ओके, तो चेंज आ रहा है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है उन सभी लोगों के लिए जो एक प्योरिटी में चल रहे हैं। और आप सच में अगर इस पर्सन को चेंज करना चाहते हो तो आप इसी एनर्जी में खुद को बनाए रखिए, अपनी इसी प्योरिटी में रहिए, ताकि इस पर्सन को टाइम टू टाइम वो ट्रिगर मिलता रहे और ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए उसी मैनर में लौटें आपके पास जिस मैनर में आप चाहते हो। फाइन, तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको आपका शिफ्ट है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।